छोटू बंसिका भी सो रही है रात को, मतलब शूटिंग पे कितने बजे आई है सुबह? मॉर्निंग में सुबह मैं तो सो रहा था। सुबह सो रहा था, देख ले बेटा दीदी कितनी मेहनत कर रही है तेरी। तू आगे राम राम राधे राधे जय श्री कृष्ण गाइस। तो आज का ब्लॉग है, आज हम जाएंगे वंशिका हापुड़ के घर पे। वंशिका नाम है उसकी। वीडियो आपने कहीं ना कहीं से देख ली होगी, या किसी आपके दोस्त ने शेयर की होगी, या आपके पास इंटरनेट पे कहीं शो हो गई होगी यूट्यूब वगैरह पे। और आज हम मिलाएंगे आपको वायरल गर्ल की फैमिली से, और उसकी फैमिली में मिलेंगे उसकी मम्मी से, उसके भाई से। तो पूरी मुलाकात कराएंगे हम आपको अपने इस ब्लॉग में। तो चलते हैं उनसे, करते हैं कुछ प्राइवेट बातें अपने शूट के रिकॉर्डिंग। तो चलते हैं उनकी फैमिली के पास में। गाइस अभी वंशिका के घर पे पहुंच चुके हैं। ये ट्रली खड़ी हुई है, ये वंशिका के पापा चलाते हैं इसको, ई रिक्शा बोलते हैं। ये वंशिका का घर है, और ये छोटू, छोटू है वंशिका का छोटा भाई। छोटू क्या नाम बेटा है, कहाँ भग रहा है? इधर ये बड़ा शर्मीला लड़का है। ये रूम वंशिका की स्क्रैच की फोटो है, इसने बनाई। छोटू ये वाली फोटो किसने बनाई वंशिका की, स्क्रैच वाली? ये भैया आए थे, उन्होंने बनाई थी। अच्छा, उसने बनाई थी। वंशिका सो रही है अभी है, कहाँ से आई? छोटू वंशिका भी सो रही है रात को, मतलब शूटिंग पे कितने बजे आई है सुबह? मॉर्निंग में सुबह मैं तो सो रहा था। सुबह सो रहा था, देख ले बेटा दीदी कितनी मेहनत कर रही है तेरी। तू आगे मेहनत करेगा, ऐसे बड़ा होगा क्या बनेगा है? इसको भी ध्यान नहीं। मैं मन है डांस करता हूं। अच्छा डांस में मन है? हाँ भाई केले खान लाग रहा है। तो देखो अभी वंशिका सो रही है, लेकिन अभी हम वंशिका को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक आर्टिस्ट की मजदूरी को समझता, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा अपन। तो अभी तो ये है वंशिका का रूम, और ये है भैंस, और ये भैंस है, और ये है वंशिका की मम्मी आंटी। राम राम आंटी। और आंटी कैसे हो? बढ़िया। तो मतलब ये लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं वंशिका के खिलाफ, क्यों फैला रहे हैं? मतलब इन लोगों को मिलता क्या है पता नहीं, ऐसा ये क्यों करते हैं ऐसा ये लोग? भैया करन दो, मेरी वंशिका को बुराई करके मुंह से अच्छाई तो मिल लिया। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है, बुराई करने तो भाई अच्छाई है हमारी। बिल्कुल सत्य बात है। और एक चीज सुनने में आ रही है, और एक चीज सुनने में आ रही है मुझे आंटी, कुछ लोग ये कह रहे हैं वंशिका की शादी हो चुकी है। भैया सब झूठ है, तुमने ना देख लिया भाई, तुमने ना देख ली शादी है भाई। छोटू शादी हो गई है भाई, तुम देख सकते हो, इधर बेचारी पड़ रही है तस्वीर। ये लोग बहुत अफवाह फैला रहे हैं, तो प्लीज ऐसी अफवाह ना फैलाएं कि वंशिका की शादी हो चुकी है, अब ये वहाँ जा रही है वहाँ जा रही है। तो प्लीज ऐसा नेगेटिव व्यवहार ना करें किसी आर्टिस्ट के साथ में, उसको समझने की कोशिश करें पूरी तरीके से। और आंटी कुछ कहना चाहोगी? बस भैया मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है, मैं झूठ है क्या, सच्चे क्या, कैसी भी क्या, मगर तुम दुआ तो दे रहे हो मेरे लड़के को, झूठ भी उड़ा रहे हो ना, तो दुआ ही समझूंगा। सत्य बात है, आदमी होता है ऐसी सोच होती है आदमी की। तो ये वंशिका हमारे गाने करने के लिए एग्री होगी? नहीं हुई? हाँ भाई कराएंगे, तो ऐसी बात नहीं। हमारे साथ में वंशिका का बहुत जल्द गाना आएंगे, बहुत जल्द धमाकेदार मस्त तरीके से। तुम्हारे का सबके गैले करेंगे, जितने पब्लिक नहीं भाई एक कोई, सबका धीरे धीरे सबका करेक्ट टाइम मिलेगा, सबको करेंगे। सत्य बात। सो ये फ्रीज जो कि बहुत चर्चा में था, क्योंकि सॉन्ग के बिहाइंड द सीन पीछे बैकग्राउंड में यही था, इसको ही पहचान करके रूम की पहचान पूरी की गई, तभी पता लगाया ओरिजिनल लोकल चीज़ का। तो जादुन फिल्म्स पे आपको सॉन्ग मिलेगा धमाकेदार, बहुत जल्द वंशिका के साथ में देखने को। तो वंशिका की मम्मी बैठी हैं, इस चीज़ का प्रूफ ये है कि वंशिका के साथ हमारा सॉन्ग आएगा कुछ टाइम बाद। तो आंटी जी धमाकेदार सॉन्ग आएगा नहीं आएगा? हाँ भैया आएगा। तुम्हारी कितनी दुआ रही, कितनी सपोर्ट रहेगी हमारे सॉन्ग को? भैया बहुत सपोर्ट रहेगी, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी ना सबको ही हो जानी चाहिए जो कर लेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, जादुन फिल्म्स पे धमाकेदार सॉन्ग आएगा, हम आपको दिखाएंगे पूरा सॉन्ग, और हम वंशिका के साथ वीडियो बाद में बनाएंगे शूट पे, क्योंकि हमारे पास अभी पूरा प्रॉपर शूट के लिए टाइम ही टाइम है, तो तभी बनाएंगे वंशिका रेस्ट भी। ये छोटा सा बच्चा शर्मा के भग गया, और यहाँ पे आंटी जी बैठी हैं पीछे। आंटी जी का नेचर एकदम मस्त है, बिंदास तरीके का आंटी का नेचर है, एकदम फ्रेंकली तरीके से बात करती हैं आंटी। और बहुत लोग अफवाह फैला रहे हैं कि भाई वंशिका ऐसी है वैसी है, तो देखो बता रहा हूँ प्यार से समझ जाओ, नेगेटिविटी मत फैलाओ किसी आर्टिस्ट के खिलाफ। अगर तुम उस आर्टिस्ट को अच्छी तरीके से करीब से नहीं जान सकते हो, या नहीं जान पा रहे उसके बारे में, तो प्लीज़ नेगेटिविटी मत फैलाओ, नेगेटिव कमेंट मत करो, किसी आर्टिस्ट की मजबूरी और मेहनत को समझो तुम, समझ रहे हो? कोई भी आज उस लेवल पे खड़ा है कुछ मेहनत करके खड़ा है,
तो आज है वंशिका का बर्थडे, मुझे भी पता चला, छोटे ने बताया। छोटे बर्थडे वंशिका का आज? आंटी बर्थडे है? आप चुपी चुप बात छिपा रही हो, पार्टियां देनी पड़े हैं। अब तो पार्टी होगी, एक केक कटेगा। अगला वंशिका जगह जग जाओ, मथुरा वासी आए हैं, पार्टी दे दो उन्हें। भैया ये लड़की कौन सी? देखो ये लड़की, आप देखो एक सेकंड वीडियो देखते हैं। सो गाइस करते हैं ब्लॉग की समाप्ति। अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आपको किस किस टाइप के ब्लॉग चाहिए। तो चलते हम यहाँ से अपने घर की ओर, तो रवाना होते हैं, विदा लेते हैं आपसे। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।